ग्वालियर में साइबर अपराधी इतने शातिर और निडर हो गए हैं कि वो अब पुलिस अफसरों को भी नहीं छोड़ रहे। जहां ग्वालियर के पुलिस ट्रेनिंग स्कूल यानी पीटीएस तिघरा में पदस्थ सब इंस्पेक्टर संतोष शर्मा ने क्राइम ब्रांच पुलिस को आवेदन देकर अपने साथ हुई ठगी का खुलासा किया। दरअसल संतोष शर्मा ने कहा है कि उन्होंने इंडसइंड बैंक से अपना क्रेडिट कार्ड बनवाया था। पिछले दिनों किसी व्यक्ति ने उन्हें फोन करके अपने आप को बैंक कर्मचारी बताया, कहा कि उनके क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ सकती है। सब इंस्पेक्टर को फर्जी बैंक कर्मी ने अपने इतने प्रभाव में ले लिया कि उन्होंने अपनी बैंक डिटेल इस ठग के साथ शेयर कर दी। इसके बाद कर्नाटक के बेंगलुरु में अलग अलग स्थानों पर 1,99,000 की खरीदारी कर ली गई है, जबकि एटीएम सब इंस्पेक्टर के पास ही रहा। इसके बाद उन्होंने आनन फानन में अपने अकाउंट को फ्रीज करवाया और क्राइम ब्रांच से इसकी शिकायत की है। थाना क्राइम ब्रांच में हमारे पुलिस के ही सब इंस्पेक्टर हैं। पुलिस में पदस्थ उप निरीक्षक के द्वारा एक शिकायत की गई थी कि उसके अक्टूबर माह में उसके अकाउंट से लगभग 1,99,000 रुपये की राशि कुछ बेंगलोर में उसकी अकाउंट से डिडक्ट हुई है, जिसमें उसके अकाउंट से कुछ शॉपिंग की गई है। तो उस शिकायत जांच पर से हमने एक 420 का मामला थाना क्राइम ब्रांच में पंजीबद्ध किया है और हमारी साइबर की टीम इस चीज़ को ट्रेस करने में लगी हुई है कि युवक के कार्ड पर से किन लोगों के द्वारा खरीदी की गई है और किन माध्यमों का उपयोग किया गया है।